हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप जानते हैं मैं हूं राहुल जिंदल और आज हम बात करेंगे हमारे फिजिक्स के अगले पार्ट के बारे में जो है मोशन इनवर्ट एक्शन का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले मैं डाल रहा मोशन इनवर्ट एक्शन का पार्ट नंबर फर्स्ट। अगर आपने नहीं देखा तो प्रिंसिपल चैनल पर जाइए और उसे देखिए, नहीं तो आपको आज वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन इनवर्ट एक्शन का पार्ट नंबर साइकिल आया हुआ आज आपके लिए। जैसे आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड की टाइप्स के बारे में और वेलोसिटीज की टाइप्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त बेकार किए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड यूजुअली होता है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। क्या दोस्तों, क्या होता हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जितना हमने टाइम लिया, हमारे पास आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड। इसकी ऐसे होती है हमारे पास दोस्तों मीटर पर सेकंड, या इसको लिख सकते हैं ओवर करके मीटर सेकंड माइनस, ये एक ही बात है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, सिंबल हम इसको किसका रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारे पास v। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ये चार टाइप्स की होती है, चार। ठीक है, यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, ये होती है हमारे पास चार तरह की स्पीड्स। ठीक है दोस्तों, हमारे पास चार तरह की स्पीड, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो वैसे यूनिफॉर्म क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड होती है हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब जब सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तब से उसने अपनी स्पीड चेंज ही नहीं की, कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और इस कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ ही चलते चलते वो अपनी डेस्टिनेशन रीच कर गया और वहां जाके वो स्टॉप हो गया। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स या फिर वैसे वर्षा भी हो जाएगा। वैसे वर्षा मतलब यह अनइक्वल है और यहाँ इक्वल है, वैसे वर्षा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ इक्वल आ जाएगा, यहाँ अनइक्वल आ जाएगा। दोनों कंडीशन में हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही बोलेंगे। तो अगला आता हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है स्पीड नोटिस एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट,
एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। जैसे देखिए मैं एक्टिवा चला रहा हूं, एक्टिवा का सामने देख के चलाऊंगा ना, एक्टिवा का जो मीटर है हर उसी पर तो नहीं देखता रहूंगा, ठीक है ना। एक्टिवा है बोल करो, उसका मीटर यहाँ है जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो यहाँ पर है, मैं सामने देख के गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं सामने देख गाड़ी चला रहा हूं तो मैं बार बार इसमें तो नहीं देखूंगा ना, बहुत देर बाद कभी एक बार मेरी नजर पड़ जाए स्पीडोमीटर में और मुझे अपनी स्पीड पता चल जाएगी कि मैं इस स्पीड से जा रहा हूं या स्पीड से जा रही हूं, ठीक है। तो उस टाइम हमने जो स्पीड ऑब्जर्व की, ठीक है ना, उस टाइम इंस्टेंट पे हमने जो स्पीड ऑब्जर्व की उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बस यही होता है और कुछ नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारे पास एवरेज स्पीड। वेल एवरेज स्पीड, अब देखो एक ऑब्जेक्ट यहां से चला यहां तक गया, उसने 4 सेकंड लिए, ठीक है, कोई 3 सेकंड लिए, चलो 3 मान लो, ठीक है, उसने 3 लिए, उसने ट्रैवल किया 30 मीटर 3 सेकंड में, 30 मीटर। अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो इसकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस 30/3 टाइम आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूं किसी ने 5 सेकंड में 5 किया, फिर 15 किया और फिर 10 किया, ठीक है, एवरेज स्पीड तो यहां फेल हो गई, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड और सिंपल स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है दोस्तों, ये सेम बात नहीं है। ये सेम बात तब है जब हमको एक ही टाइम इंटरवल दिया हो और एक डिस्टेंस दिया हो, तब दोनों सेम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज के बारे में। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, ये भी 4 तरह की होती हैं, ऐसी स्पीड होती हैं, वो बिल्कुल सेम होती हैं। उसमें स्पीड आ गया, इसमें वेलोसिटीज आ गया, उसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, तो ये 4 तरह की, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। यहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है इक्वल डिस्प्लेसमेंट अकर इन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, यह होता है हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है, इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ नहीं है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, मतलब सेम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कर रही है एक बॉडी, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे बात करेंगे
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑल्सो एज सेम एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. Unequal displacement at equal time period or vice versa Unequal displacement की उसने जैसे पहले सेकंड में उसने 5 डिस्प्लेस किया तो अगले सेकंड में उसने 10 कर दिया फिर अगले सेकंड में उसने फिर 5 कर दिया तो यहाँ पे तो स्पीड से वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह लो सेम नहीं रहनी इसलिए ये उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं आ रही इक्वल टाइम इंटरवल में इसलिए हमने इसको नाम दे दिया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है दोस्तों तो अगले टाइम हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is also बिल्कुल same as speed, instantaneous speed. Particular time पे एक particular time instant में मेरी नजर पड़ी speedometer में, ठीक है, एक्चुअल चला रहा हूँ, सामने देखूँगा, नजर पड़ी speedometer में, speed थी मेरी 40 किलोमीटर बराबर, लेकिन वो तो हमारे पास था speed में, और इसमें से कितना याद होएगा कि speed के साथ साथ मुझे मेरी direction पता चल रही है, direction पता चल रही है मुझे यहाँ पर मेरी कि मैं कौन सी डायरेक्शन में 40 की स्पीड से डिस्प्लेस कर रहा हूं. यह आ जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट विद इट्स डायरेक्शन. यह हो जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी observed at an time interval. Velocity observed at a particular time interval with its direction. With direction. ये हो जाएगा हमारे पास instantaneous velocity. ठीक है दोस्तों. और वेलोसिटी की आखिरी प्रकार जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी वह हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. बस यही है दोस्तों एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एक प्रोजेक्ट चला T0 से T1 में, ठीक है, इन्होंने डिस्प्लेस किया 5 मीटर, 0 से 1 मीटर में 5 मीटर डिस्प्लेस किया, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 5 किया टाइम है 1 5, ठीक है. तो बस यही है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड्स एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज. गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए.